राजस्थान में इस बार भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, तो वहीं कई इलाकों में अभी भी जलभराव का मसला बरकरार है। बारिश ने कई जगहों पर प्रशासन की तैयारियों की पोल भी खोलकर रख दी है। जोधपुर के ओसिया में भी कई जगहों पर जलभराव की वजह से जनता काफी परेशान हो रही है। ऐसे में अभी इस बीच कांग्रेस नेता दिव्या मदेन्ना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती नजर आ रही है, मेरे ऊपर आप मुकदमा कर दें, मैं जेल से नहीं डरती हूँ। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। पूरा मामला क्या है आपको तफसील से बताते हैं। दरअसल पिछले दिनों ओसिया विधायक भेराराम सियोल ट्रैक्टर चलाकर जलभराव से मुतासिर हुए लोगों के बीच गए थे। इस दौरान जिला कलेक्टर को फोन पर बात कर उन्होंने राहत देने की बात कही थी, हालांकि अभी तक लोगों को राहत नहीं मिल सकी है। इस बीच पूर्व विधायक दिव्या मदेन्ना ग्रामीणों के बीच पहुंची। ग्रामीणों ने बताया कि पानी निकासी के लिए सड़क तोड़ने की बात को लेकर प्रशासन ने हिदायत दी है कि अगर किसी ने पानी निकालने के लिए सड़क को तोड़ा तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। इस बात को लेकर ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेन्ना बोली, अगर जिला कलेक्टर समय पर पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं करते हैं तो मैं सड़क तोड़ूंगी और मेरे ऊपर आप मुकदमा करना, मैं जेल से नहीं डरती हूँ, मैंने 10 साल जेल को देखा है। अब दिव्या मदेन्ना का प्रशासन को चुनौती देने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, देखिए मदेन्ना का वो वीडियो। ये आपदा का समय और मैंने कलेक्टर को कह दिया अगर रोड तोड़ने से पानी निकलता है तो मैं बैठ कर रोड तोड़ाऊंगी, मुकदमा कैसे तो तुम्हारी एनजीओ को मेरे से कर लूंगी। इनका क्या गलती अगलों की घरों में पानी भर गया, अपनी गाय भैंस को पिकअप में डाल के दूसरी जगह ले जा रहे हैं और आप आंख दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती? शर्म आप कोई भी व्यक्ति है ना जिसके घर की हालत हो उस तरह से इस तरीके से बात करे, उस अधिकारी को शर्म आनी चाहिए। मुझे बड़ा दुख होता है, हाँ ये कह साहब ये व्यवस्था नहीं हो सकती, हम कोई और चीज सोचते हैं, आपकी मदद के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, या होगा नहीं और मैं मुकदमे ठोक दूंगी तो मेरे तो बहुत 10 साल जेल देखी हुई है, मैं जेल को कोई डर नहीं मानता, ठोक दीजिए मुकदमा, कैडा मुकदमा। बताते चले मदेन्ना के दौरे के बाद में जिला प्रशासन भी हरकत में आया है, जलभराव इलाकों में से पानी निकासी की व्यवस्था में जुड़ गया, जिसको लेकर ग्रामीण दिव्या मदेन्ना का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहे द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।